हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम शैन के काम करने वाले कार्ब्यूटर की थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करेंगे, क्योंकि एवरेज बहुत कम हो गया है। क्या 55 50 का माइलेज चाहिए, 49 50 55 के इस बीच में अराउंड इसका माइलेज है। तो इसका आज माइलेज सेटिंग करने वाले आपको दिखाएंगे कैसा करना है कैसे नहीं। चलिए फिर करते हैं। सबसे पहले दोनों पैनल को ओपन कर लेंगे, एक साइड के और उस साइड के, राइट और लेफ्ट दोनों साइड के पैनल ओपन कर लेंगे। फिर कार्ब्यूरेटर ओपन करेंगे, उसको क्लीन करेंगे और फिर बाद में उसको एवरेज सेट करेंगे। आपको बताएंगे कि वो मिक्सर स्क्रू क्या क्या करना है क्या नहीं। चलिए अभी राइट साइड का पैनल ओपन हो चुका है, पर कार्ब्यूरेटर खोलने से पहले हमें फ्यूल लाइन ऑफ करनी है। आपको दिखा देखिए सर, ये फ्यूल लाइन ऐसे ऑफ कर दो और फिर कार्ब्यूरेटर अपन खोलेंगे। चलिए फिर तो अभी हम कार्ब्यूरेटर खोलेंगे। आप वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मैं कार्ब्यूरेटर की अलग ट्यूनिंग और गाड़ी में फिट करने के बाद अलग ट्यूनिंग दिखाने वाला हूँ। क्योंकि कोई 3.5 ऐसी कोई ट्यूनिंग रखता है, कोई 4.5 ऐसी कोई ट्यूनिंग रख देता है, पर आपको मैं दिखाऊंगा कि प्रॉपर कैसे करना है कैसे नहीं। क्योंकि आपने को इस साइड का भी पैनल ओपन करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड का, तो आपको दिखाएंगे। आप वीडियो ऐसा, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे भी सेट होता है, तो आप वीडियो बीच में कट करके सीधा आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग करने में मत बैठो। आपको दिखाऊंगा, आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि ऐसे करने से ऐसे होता है, ठीक है। देखिए फिर कंटिन्यू देखिए। अभी तो सबसे पहले अपन कार्ब्यूरेटर को ऊपर से क्लीन करेंगे जहाँ भी धूल मिट्टी है, क्योंकि बाद में कार्ब्यूरेटर खोलेंगे तो उसके अंदर भी धूल मिट्टी चले जाएंगे। तो पहले अपन ऊपर से क्लीन कर लेंगे और ये जो रबर पार्ट है इसको आप निकाल दो ऊपर साइड में, मतलब ये, क्योंकि पेट्रोल इसको लग गया तो ये फूल जाएगा, खराब होता है पेट्रोल की वजह से, ठीक है। तो पहले अपन इसे क्लीन कर लेंगे। तो अब हम इसे खोलेंगे। चलिए फिर तो अभी इस टाइम पे कार्ब्यूरेटर तो पूरा खुल गया है। तो कार्ब्यूरेटर खोलने के बाद जो रबर पार्ट से, जैसे कि ये और ये, ठीक है, ये और इसके रबर, ये निकल के रख दो या फिर बाजू में रख दो, क्योंकि अगर इसको पेट्रोल लग गया तो ये रबर फूल जाते और फूलने के बाद ठीक से फिट नहीं होते और इसकी पैकिंग किट मिलने के लिए भी बहुत तकलीफ होती है, जल्दी मिलती नहीं, ठीक है। इससे जो रबर लगा है इसे, तो ये भी फूलता है, तो इसे बाजू रख दो, ठीक है। और
बस इतने रबर आइटम है, और जो खुलते टाइम आपको आपने देखा वो हेड के पास था, वो एक रबर आइटम है। तो अभी अपन ने बाहर से तो कार्बोरेटर क्लीन कर लिया था, अब अंदर से करने वाले हैं। तो जो पेट्रोल पुराना वाला है उसे आप फिर से मत यूज़ करना, नया पेट्रोल निकालो उसे यूज करो, क्योंकि पुराना यूज करेंगे तो वही बाहर की गंदगी अंदर जा रही है। ठीक है, तो अपन नया फिल्टर निकालेंगे, इसे अंदर से क्लीन करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे क्लीन करना है। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको ये सब काम होने के बाद माइलेज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दो, कमेंट करो मुझे कि हमें माइलेज के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए माइलेज का भी एक वीडियो बना दूंगा शैंग के ऊपर। ठीक है, अगर आपको एक परफेक्ट माइलेज चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले एयर प्रेशर देख लो कि कितना है कितना नहीं, दोनों भी टायर में चेक कर लो आगे और पीछे कि कितना एयर है कितना नहीं, परफेक्ट एयर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में अपनी चेन है तो चेन भी ठीक तरह से फिट होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा लूज भी नहीं ज़्यादा टाइट भी नहीं। अगर टाइट होंगी तो ऑब्वियसली बात है माइलेज नहीं देगी, और लूज होगी तो स्पीड में गिर भी सकती है उतर भी सकती है चेन। तो परफेक्ट टाइट होनी चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं ज़्यादा टाइट भी नहीं, जो रिकमेंड किया है उस टाइप में आप चेन टाइट कर लो। ठीक है, तो एयर चेन और आपके राइडिंग पे भी। ठीक है, 60 के ऊपर मत चलाओ, 60 के नीचे चलो, परफेक्ट एक माइलेज देगा। इकोनॉमी में भी चलाओ आपको अच्छी तरह से माइलेज देगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो छोटे छोटे आइटम है जैसे कि जेट, पहले अपन जेट को क्लीन कर लेंगे, फोकस में हो रहा। हाँ, तो सबसे पहले अपन जेट को क्लीन कर लेंगे, तो इसे अपन पेट्रोल में डाल देंगे। ठीक है, और पेट्रोल में डालने के बाद हमें एक तो जो क्लीनर रहता है जिसकी लूप करने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, चेन क्लीन करने के लिए या थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने के लिए, तो उससे हम यूज़ कर सकते, क्योंकि प्रेशर से क्लीन होता है, फूक मारने से वो कोई क्लीन नहीं होता। कोई इसमें तार भी डाल देता है क्लीन करने के लिए, वायर वायर से भी क्लीन करते तो प्रॉपर नहीं क्लीन होता। इसके आपके पास कोई एयर का जुगाड़ होना चाहिए, उसका है तो बहुत अच्छा है, फिर ये बहुत अच्छी तरह क्लीन होगा। नहीं तो 40-50 में बोतल भी आती है क्लीन करने के लिए, तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हो, रस क्लीनर, रस क्लीनर से भी क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं। चलिए सर, मेरे पास एयर मशीन है। चलो, तो अभी इस तरह टाइप का कुछ गन है तो इसे करेंगे अपन। मेरे पास एयर मशीन है कंप्रेसर, क्लीन हो चुके हैं। आप एक बार इसे इस स्टेप में होल है उसमें आर पार लिखने चाहिए, तो अब एक बार वो भी ट्राई कर लो कुछ स्टेप्स देखने के बाद, तो इसमें से उधर तक इधर के देखने चाहिए, इधर से ही और इधर से भी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये टाइप में इधर होल है। ठीक है, और यहाँ से भी, और ऐसे भी देखिए अपन, तो इसमें से भी देखने चाहिए। ठीक है, सेम टाइप इसमें भी है, तो दोनों भी ऐसे क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसे बाजू में रख दो, फिर बाकी के क्लीन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर। तो अभी इसे भी क्लीन करेंगे, अगर
आपका ये रबर निकल चुका है तो ये नया ला के डाल दो, क्योंकि अगर जगह पे तो आप इसे क्लीन कर सकते हो, पर निकल गया तो ये फिर से ये रबर इसके ऊपर तो नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आप इसे भी क्लीन कर लेंगे। और जितना जल्दी हो सके इसको ड्राई कर लो रबर को, नहीं करके तो ये फूलता है, आपको मेरे को पता है स्टार्टिंग में। ठीक है, इसमें भी धूल मिट्टी बैठती है ना, तो इसके वजह इसको भी क्लीन करना जरूरी है, पर रबर फूलता है इसके वजह से जल्दी क्लीन कर लो। ठीक है, रही बात इसकी, अगर आपके पास स्प्रे है तो इसे क्लीन कर लो, नहीं तो कपड़े से इसको साफ कर लो। ठीक है, मैं तो कपड़े से करने वाला हूँ, नहीं तो ये इसमें डुबाएंगे तो ये फूल जाएगा और फिर से बैठेगा। मैंने और किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि गाड़ी पिकअप नहीं ले रही, कोई प्रॉब्लम है, तो पहले आप उसे खींच के देख लो कि इसे रबर फटा हुआ है या फटा नहीं है। अगर ये रबर फटा है तो ऑब्वियसली बात है गाड़ी पिकअप नहीं लेगी, इतने से भी पिकअप नहीं लेगी। ठीक है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी, तो रबर आप अच्छी तरह से इसे चेक कर लो कि कहीं से फटा तो नहीं है, फटा है तो इसे चेंज करना पड़ेगा बटरफ्लाई। ठीक है, तो इसे पहले अपन क्लीन कर लेंगे। क्योंकि गाड़ी ने पिकअप पकड़ तो मेन रीजन तो यही है कि फट जाता है। ठीक है, ये भी अभी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। और रह बात इसकी, अगर ये फ्लूट फ्लूट नहीं बोल सकते इसको, पर ये पेट्रोल को रोकता है। हाँ, तो अगर ये हार्ड हो चुका है ये इसे दबना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं दब रहा तो खराब है, इसे फ्लूट वॉल बोलते हैं, फ्लूट वॉल। ठीक है, मैंने डैमेज से गया था, इसको फ्लूट वॉल बोलते हैं। तो अगर फ्लूट वॉल इसे नहीं दब रहा तो इसे आप चेंज कर दो। ठीक है, इससे पेट्रोल रुकता है, अगर आपकी गाड़ी ओवरफ्लो हो रही है, कार्बोरेटर से नीचे पेट्रोल गिर रहा है, तो इसे आपको चेंज करना ज़रूरी है, ये ऐसा दबना चाहिए। ठीक है, ये भी अच्छा है। इसके आप रबर चेक कर लो, ये भी अच्छी तरह से क्लीन है, या डस्ट है तो ये रबर निकाल के क्लीन कर दो, नहीं निकल रही तो ऐसे हाथ रख दो फिर यहाँ क्लीन कर दो, क्योंकि पेट्रोल नहीं लगना चाहिए। इसे भी आप क्लीन कर सकते हो पेट्रोल से सीधा। क्योंकि पहले से पेट्रोल में डीप रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिक्सर शुरू की, इसे बाजू में रख देंगे क्लीन करके, बाकी स्क्रू स्क्रू तो बाजू में रख दिया मैंने अभी से भी। ठीक है, तो अभी इसे इसके अंदर थोड़ी एयर मारेंगे, एयर मारने के बाद अपन कार्बोरेटर फिट करेंगे। चलिए फिर। अब वापस से असेंबल करने के टाइम पे हमें पूरा प्रॉपर क्लीन करने ने कपड़े से, या फिर फुल ड्राई होने देना है इसे। फुल ड्राई होने के बाद तो हमें पहले जेट को फिट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप में, और इससे जेट को आप फुल टाइट मत करना। ठीक है,
नॉर्मल से नीचे टूट जाते जेट। ये देखिए आपको दिखाऊंगा मैं, नॉर्मल थ्रेड करना है, सिर्फ नॉर्मल। इसे भी लगा लो, रुको दिख नहीं रहा, कुछ इस टाइप में। और लगाने के बाद ये जो होल है ये इसके अंदर से जाएगा फ्लूट। और बाद में ये पिन कुछ इस तरह, तो अभी इसके ऊपर हम इसका ये बॉल लगाएंगे। तो ये लगाने के टाइम पे ये आजू बाजू में थोड़ा क्लीन कर लो, क्योंकि जितनी क्लीनिंग अच्छी उतना अच्छा, ठीक है। इसके ऊपर से भी मैंने साफ कर लिया है, तो अभी इसे फिट करेंगे अपन। और ये जो इसके पॉइंट है ये अलाइन कर लो इसके साथ, अब फिट फिट कर लो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अभी इसे हम टाइट करेंगे। छोड़ दो, हाथ को जब ताकत लगनी शुरू हो जाए आप छोड़ दो, ज़्यादा फोर्स लेट करेंगे तो स्लिप भी हो जाएंगे, थ्रेड भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो अब बाद में हम बटरफ्लाई को फिट करेंगे, अभी बाद में अभी करेंगे भाई मेरे। तो आपको मैंने बताया ये कैसे चेक करना है, किसी ने ये भी अपन ने फुल क्लीन कर लिया है अभी। तो अभी इसके अंदर ऐसे डालेंगे फिर ये, तो ऐसे फिट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसे फिट करेंगे अपने से अभी बटरफ्लाई को कुछ स्टेप से अंदर, ठीक से अलाइन कर लो और सब कुछ मैच होने के बाद अंदर। फिर देखिए अभी ये एकदम परफेक्ट बिट चुका है, तो अपन इसमें अंदर एक स्क्रीन डाल देंगे कुछ इस टाइप से, ये बड़ी स्क्रीन। अगर ख़राब है तो इसे आप चेंज कर दो, ये जो और जल्दी फिट भी नहीं होता। अब मैं पहले से फिट कर लेता हूँ, फिर आपको फिट करके रिम दिखाता हूँ, मतलब स्प्रिंग बैठाने के बाद स्क्रू डालने के बाद आपको। चलो फिर, और स्प्रिंग लगने के बाद आप ये देख ले लो कि बटरफ्लाई पीछे ढकलने के बाद रिटर्न तो आ जाएगा। अगर रिटर्न नहीं आ रही तो आपकी स्प्रिंग अच्छी से नहीं बैठी, ठीक है। रिटर्न आ रही है, अब इसके ऊपर के अपन नट लगा देंगे। तो अभी ये सब कुछ फिट होने के बाद आगे बढ़ने के बाद अभी मिक्सर स्क्रू का बारी आती है, ये वाला मिक्सर स्क्रू। इसे मैंने एक बार चेंज कर लिया है क्योंकि खराब हो गया था। तो सबसे पहले ये छोटी सी स्प्रिंग अंदर जाएंगी इस होल के अंदर, ठीक है, और इसके ऊपर मिक्सर स्क्रू, और इसे हल्के हाथ से टाइट करो, फुल टाइट मत करना, क्योंकि इसका ही बड़ा रोल है एवरेज के बारे में। अब ये फुल टाइट हो चुका है, फुल टाइट मतलब नॉर्मल से टाइट, जहाँ रुक गया है वो फुल टाइट, ठीक है। तो अभी फुल टाइट होने के बाद आपको बताएंगे। अभी मेन मुद्दा तो ये आता है, क्योंकि ये मिक्सर स्क्रू है, इसका सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है। तो कोई क्या करता है 3.5 टर्न ऐसे टाइप में कोई एवरेज सेट करता है, पर वो गाड़ी स्टॉक हो, मतलब उसका इंजन पिस्टन बोर कुछ नहीं हुआ हो, या पिस्टन चेंज नहीं हुआ हो, या फिर वॉल की सेटिंग नहीं है, कंपनी से फुल स्टॉक गाड़ी है, नई गाड़ी है, 3.5 ए ठीक है। 3.5 मतलब कैसा कि जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से एक, फिर दो तीन, फिर साढ़े तीन, ऐसा।
ठीक है। तो फिर ये होने के बाद 4.5 भी आता है इस अलग अलग टाइप में। अगर किसी को स्पीड ज़्यादा चाहिए तो अलग सेटिंग कर लेगा, किसी को एवरेज ज़्यादा चाहिए तो अलग सेटिंग करेगा। एवरेज की ज़्यादा सेटिंग करे तो फिर पिकअप में बहुत कम होता है, फिर मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट होने की भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब मिक्सर स्क्रू का प्रॉब्लम है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि स्टॉक गाड़ी में कैसा आता है। तो इसे आपने अगर नॉर्मल हेसीटेट कर लिया, नॉर्मल हेसीटेट करना है, फुल टाइट मत करना, फिर एक इसको हम एक टर्न बोलते हैं, हाँ, फिर दो, फिर तीन और 3.5। तब अभी एक कंपनी सेटिंग से तो ऐसे ही आती है, मैंने एक बार नई गाड़ी खोल के देखा तो सेम ऐसी सेटिंग थी। तो अगर आपको 60 के माइलेज नहीं मिल रहा तो ये 4.5, तो ऐसे भी आप सेटिंग कर सकते हैं 60 के माइलेज के लिए, ठीक है। तो ये परफेक्ट है, इसके ऊपर मत जाओ, ठीक है। तो इसके ऊपर जाने के बाद गाड़ी आपकी ओवर रेस भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। या फिर सुबह मॉर्निंग में गाड़ी चालू होने की प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो अभी हम अलग मेथड से ट्यूनिंग करने वाले हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी का कुछ अलग ही मसला है, आपको आगे बताएंगे। तो अभी कार्ब्यूरेटर फिट करने से पहले आप इस रबल को भी फिट कर लो कुछ इस टाइप से। इस पॉइंट में ये पॉइंट जाना चाहिए। तो अभी फिट होने के बाद ये जो स्क्रू इसे टाइट कर लो ठीक तरीके से, ज़्यादा फुल टाइट मत करना। तो अभी फुल टाइट हो चुका है। तो अभी ये होने के बाद सेम टाइप कार्बोरेटर में ये पॉइंट इसमें जाना चाहिए। देखा, सेम ऐसे ही फिट होना चाहिए। तो अभी ये अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है पिस्टन। तो अभी इसके अंदर हम इसके अंदर फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो अभी चोक की केबल लगा देने के बाद इसकी सॉकेट भी लगा दो। तरह से लगा दो, निकलना नहीं चाहिए, मुझे झटके झटके से निकल जाएगी, ठीक है। देखो ये लगा दिया है मैंने, इसकी जो पाइप है वो भी आप लगा दो। ठीक है, पाइप भी लग चुका है, कपलर भी लग चुका है और चोक केबल भी लग चुकी है। तो अभी इसे हम फिट करेंगे। आप देख सकते हैं
ये वाला पाइप, तो ये भी लगाना मत भूलना, कुछ इस टाइप से फिट होता है। ठीक है, तो अभी हम थ्रॉटल केबल लगा देंगे कुछ इस टाइप से, और इसमें थ्रॉटल प्ले होना चाहिए। ठीक है, अभी अच्छे से हो गए, इससे आप टाइट कर लो नहीं तो ये वाइब्रेशन से निकल जाएगा। तो अभी अभी हम गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे, आपकी फ्यूल की सप्लाई भी लगा दो। ठीक है, मेरा पाइप थोड़ा छोटा है तो इसके वजह से मुझे बाद में लगाना पड़ता है, आप पहले से ही लगा दो। ठीक है, चलिए फिर वो पाइप लगा दूंगा मैं, फिर बाद में हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ये जो मिक्सर स्क्रू है ये फुल टाइट है, तो इसे हमें पहले लूज करना होगा कुछ 1 टन सिर्फ। ठीक है, अभी 1 टन हमने इस टाइप में घुमा लिया है, तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तो आप देखिए फ्यूल लाइन ऑन है, केबल दूर है, तो गाड़ी हमें अभी किक से स्टार्ट करना पड़ेगा ना भाई। बैटरी तो अपन ने निकाल दिया, पर चेक कर लो चोक का। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट। तो अभी इसी टाइप में गाड़ी कुछ देर तक चालू रखेंगे, इंजन गर्म होना चाहिए क्योंकि एयर सेट करना तो इंजन उसके लिए गर्म लगता है, तो गर्म इंजन में ही अपन एयर सेट कर सकते हैं। इसके लिए अपन गाड़ी को चालू रखेंगे, हेड तक गर्म होना चाहिए, गर्म होने के बाद अपन एवरेज सेट करेंगे, कुछ देर तक चालू रखेंगे। चलिए, तो अभी बहुत देर हो चुकी है गाड़ी स्टार्ट होके, 1.5 मिनट हो गया, गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी है, अब हाथ भी नहीं रख सकते, बहुत गर्म हो गया अपनी गाड़ी। ठीक है, तो अभी हम एवरेज सेटिंग करेंगे। तो आपको अभी क्या करना है, एवरेज सेट करने से पहले इससे आप थोड़ा सेट कर लो, मतलब आपकी गाड़ी थोड़ी लेस होनी चाहिए, बाद में आप नीचे स्क्रू उसको थोड़ा लूज करते रहेंगे, अब जब आरपीएम बढ़ेंगे तब अपन स्क्रू को लूज करना छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी हम इसको लूज करेंगे, अभी फुल टाइट है। ठीक है, मैंने जो टर्न मारा तो भी इसको टाइट कर दिया, अब ये फर्स्ट टर्न है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, काफी आर्जम जितना चल हो गया। ठीक है, सिक्स, सेवन, काफी अभी ये आर्जम से गिर गए 7 पर, तो अभी इसको हम वापस चेक करेंगे। अभी आरपीएम बढ़ गए तो ये पॉइंट है परफेक्ट जो एवरेज को मिलता है। ठीक है, तो इसके अभी आरपीएम थोड़े बढ़े, तो अभी यहाँ से वापस गिनेंगे हम कि कितने स्क्रू टाइट है, कितने स्क्रू लूज है, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी 1, 2, 3, 4, 4.5 का है। ठीक है, और 1, 2, 3, 4, थोड़ी देर रुकेंगे आर्जन ड्रॉप होने तक, नहीं होगा आर्जन ड्रॉप, 4 पर है, 4.5, अरे 5, 6, 7,
8 ड्रॉप हो गया, तो फिर से हम 7 6 5 4 तो ये 4.5 का परफेक्ट है, हम लोग 4.5 पे रखेंगे, ठीक है। तो ये परफेक्ट एवरेज सेटिंग है, आप भी इसे ट्राई करना। जहाँ पे आरपीएम बढ़ेगा वहाँ पे छोड़ दो, फुल टाइट में मत, आरपीएम तो बढ़ेगा ही, क्योंकि यूज करने के बाद जहाँ आरपीएम बढ़ रहा है वहाँ पे आप क्लोज कर दो, ठीक है। और बाद में एक मिक्सर स्क्रू को यूज कर दो। एंडिंग स्क्रू है, इसे यूज करो, ठीक है, एकदम बढ़िया। जैसे कि आपने देखा कैसे एवरेज सेट करते, कैसे मैंने सेट करते हो, तो अभी हम ये सब फिट करेंगे आपको टाइम लैप्स में, सब कुछ देखेंगे अभी इसका आगे का फिटिंग। तो चलिए फिर इसको अभी हम फिट करेंगे, फिर आपको मिलते हैं एंडिंग में। चलिए तो अभी अपनी गाड़ी रेडी हो चुकी है, फुल फिटिंग हो गई, अभी कार्बोरेटर ट्रिक ट्यूनिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, जिसके आपने पूरा वीडियो में देख लिया है। तो अभी ये सब कुछ होने के बाद इसका मैं माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ, तो आपको अगर वो वीडियो देखना है या फिर आपको माइलेज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो, आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी माइलेज सेट हो गया, सब कुछ फिटिंग हो गया, पर एक्चुअली मेरी ये गाड़ी 1 लाख के ऊपर भी चल चुकी है, बीच में इसका पिस्टन भी खराब हो गया था, स्क्रैचेस ब्लॉक पिस्टन खराब हो गया था, तो इसमें मैंने पिस्टन बोल के है 25 नंबर का, तो पिस्टन नहीं आया, बोर मैंने किया है इसके बाद इसके ऊपर, और वो होने के बाद मैंने ये माइलेज सेट किया है। तो माइलेज सेट होने के बाद इसकी वजह से मुझे इस स्टेप में माइलेज सेट करना पड़ा, नहीं तो फिर आप 3.5 4.5 का भी सेट कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी गाड़ी अभी 60 के ऊपर माइलेज दिए, 60 भी माइलेज दी या 59 भी दिया तो बहुत हो गया। तो ऐसे हो गया अपने वीडियो, अभी वीडियो का यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे भाई, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको माइलेज के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो भी मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ कमेंट करना।